अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे खैरियत से होंगे मज़े में होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन एंड व्लॉग्स जी गाइस आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ज़बरदस्त रिव्यू बहुत ज़बरदस्ती अनबॉक्सिंग वो है जी आई फोन ट्वेल्व प्रो मैक्स की 2020 का मोस्ट वांटेड फ़ोन आईफोन 12 प्रो मैक्स ही रहा है स्टिल अभी भी बहुत से लोग इसकी ख़्वाहिश करते हैं और मेरे हाल ही अभी लगा है क्योंकि इसको हमने अभी परचेज़ किया है और ये हमें पाकिस्तान की प्राइस में पाकिस्तानी रुपीस में दो लाख चालीस हज़ार का यानी कि टू लैक्स एंड फोटी थाउजेंड रुपीज़ का ये हमें रिटेल प्राइस पर मिला है अलहमदिल्ला और इसकी सोचा कि उन्हें आपके साथ अनबॉक्सिंग की जाए चले जिसके बॉक्स पर नज़र डाली जाए तो ये इसके कॉर्नर पे गोल्ड लोगों के लोगों हैं आईफोन के और आईफ़ोन वालों ने इसमें चार कलर लॉन्च किए हैं ब्लू गोल्ड सिल्वर एंड ग्रेफाइट तो मुझे गोल्ड कलर बहुत अच्छा लगा था सोचा क्यों ना ये परचेज़ किया जाए अच्छा ये मैं बता दूँ कि थोड़ा सा ही अनबॉक्स हुआ हुआ था क्योंकि इसके ऊपर जो ग्लास पेपर होता है वो मैंने चढ़वाना था तो मैंने इसको रात को ओपन कर दिया था लेकिन इसकी मैंने प्रॉपर अनबॉक्सिंग नहीं की है तो अनबॉक्सिंग प्रॉपर मैं आपके सामने करूँगी मैंने अभी मोबाइल ऑन नहीं किया है बज़ाहिर इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त लग रही है बहुत ज़बरदस्त इसकी पैकिंग है चले जी इसको ओपन करते हैं ये देखिए जी ज़बरदस्त सा ये कलर है और ये कैमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें थोड़ा सा पोशन बनाया हुआ है और इसको देख के ही ना इंसान का दिल है ना वो बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाता है और इसका अब लुक चेक करें बहुत ही ज़बरदस्त लुक है और ये इसके जो बैक पे है ये मैट गोल्डन कलर है और जो गोल्ड कलर है ना ये इस फ़ोन में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मैंने सिल्वर भी देखा है मैंने जो है वो ब्लू भी देखा है लेकिन ये कि इसमें जो ये वाला कलर है ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बेसिकली भी लोग पाकिस्तान में ज़्यादातर गोल्ड कलर की तरफ ही जाते हैं क्योंकि वो एक शाइन सी देता है तो मतलब अच्छा लगता इसकी है। स्क्रीन पे आपको ये ग्लास प्रोटेक्टर नज़र आ रही है मैंने रात को इसको कवर कर दिया था लेकिन सोचा कि इसको आपके सामने बाकी अनबॉक्स किया जाए और आपके सामने ही इसको ऑन किया जाए और आपके सामने इसकी प्रीमियम से लुक जो है ना वो शेयर की जाए बहुत ज़बरदस्ती फीलिंग आ रही है इसका जो गोल्ड कि कॉर्नर्स हैं बहुत ही प्रीमियर लुक दे रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं और इसको चलो हम बाद में करेंगे ऑन पहले चलते हैं इसकी एसेसरीज़ की तरफ अच्छा जी मेरे पास जो मोबाइल है आईफोन ट्वेल्व प्रो मैक्स ये है टू फिफ्टी सिक्स जी 128 वेरियंट वन एट जी वेरियंट का भी ले सकते हैं उसकी और इसकी कीमत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था बेहतर है कि आप टू सिक्सटी फाइव जी पी का ही लें चलते हैं जी इसकी एसेसरीज़ की तरफ जिसमें हमारे पास चार्जर मौजूद नहीं है एयरफोन मौजूद नहीं है यू एस बी टाइप सी चार्जिंग केबल मौजूद है अलहमद एप्पल एप्ल कहते हैं कि आपके पास पहले जो टाइप सी के चार्जर मौजूद हैं मौजूद होंगे लेकिन मुझे नहीं पता कि एप्पल किन बंदों की बात कर रहा है जिसके पास आईफोन एलेवन सीरीज़ के हैं उनके पास तो चलो चार्जर मौजूद होंगे लेकिन उससे पहले यू वाले चार्जर एप्पल देता ही नहीं था तो एप्पल जो है ना इस दफ़ा और इससे पहले कई दफ़ा पैसे सिर्फ बचाने के चक्कर में चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ ये एक छोटा सा बॉक्स है छोटा सा एनवेलप समझ लें और इसमें कुछ दो तीन सी चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास ये सिम इंजेक्टिंग टूल है और ये कुछ पेपर्स हैं जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं और ये हमारे पास एप्पल का लोगो है जिसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है और पहले ये दो होते थे लेकिन अब इन्होंने ये एक कर दिया है तो ये कुछ छोटी मोटी से इंस्ट्रक्शंस के पेपर्स हैं जिसको आप पढ़ लें तो अच्छा होगा वैसे ही ऐसी चीज़ें लिखी होती है जो हर बंदा जानता है ठीक है जी इसको करते हैं यहाँ पे वाइंड अप क्योंकि इस बॉक्स में इस दो चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है चलते हैं जी अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ उसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताती हूँ जी आईफोन ट्वेल्व प्रो मैक्स की स्क्रीन साइज़ है जी सिक्स पॉइंट सेवन इंचज़ और इसकी जो ये साइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम गोल्ड प्लेटेड लग रही हैं बल्कि हैं भी और ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो है वो लुक प्रोवाइड कर रहा है ठीक है जी और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक है और इसके अगर बैक पे देखा जाए तो इसके ये तीन कैमराज हैं और इसके जो ये मिड में एप्पल का लोगो बना है और इसका जो बैक है ये मैट गोल्ड में आ जाता है इनके स्पीकर्स पे नज़र डालते हैं स्पीकर्स हैं यहाँ पे दो अदद जी और इसके जो कॉर्नर्स पे स्पीकर्स के दरमियान में माइग्रिल है माइग्रिल के दरमियान में लाइटनिंग पॉट है ये लाइटनिंग पॉट टीरो स्पीकर सपोर्टेड है वन साइड अगर कॉर्नर पे नज़र डाली जाए तो सबसे नीचे जो सिंगल सिम ट्रे है एंड देन उसके ऊपर वॉल्यूम अप डाउन का बटन है दो बटन एंड देन सबसे ऊपर जो है हमारे पास टिपिकल एप्पल म्यूट स्विच बटन है जो कि हमारा वॉल्यूम मोबाइल का एकदम से ऑन या ऑफ कर देता है अभी तक आईफोन ट्वेल्व प्रो मैक्स है मुझे नेगेटिव चीज़ ये लगी है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं गोल्डन कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर मेरे ये दे देखिए थम के प्रिंट बन जाते हैं इवन कि मैंने इसको साफ़ भी किया है फिंगर जो आप हाथ में पकड़ते हो तो इसके प्रिंट्स बन जाते हैं तो ये बहुत गंदा गंदा सा लगता है तो बेहतर ये कि आप आपसे कॉर्नर सारे नीट करके जब नीट करते हैं तो बहुत अच्छे से शाइन देते हैं लेकिन आप नीट करके इसको ब्लैक बैक पर कवर चढ़ा लें ठीक है जी चले जी वो इसको ऑन करने की बारी आती है अपने ज़बरदस्त से मोबाइल को हम ऑन करते हैं चेक करते हैं कि इसकी क्या सेटिंग्स हैं और कितनी चेंजिंग हैं और चलते जब अपने मोबाइल को ऑन करते हैं ये मैंने अपना मोबाइल ऑन कर दिया है और यहाँ पे जो है हम पहले अपने कंट्री को चूज़ करेंगे कंट्री है जी हमारा पाकिस्तान तो इसमें जो छोटी सी चीज़ें हैं स्टार्टिंग मोबाइल स्टार्ट करने के लिए कुछ आईडीज़ चाहिए होती हैं वाईफाई का पासवर्ड चाहिए होता है तो ये चीज़ें मैं करती हूँ डन और फिर आपके पास आती हूँ वापस वेलकम टू आई फ़ोन हमारा फ़ोन अलहमदिल्ला स्टार्ट हो चुका है और इसके पिक्सल्स देखे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और आईफोन हमेशा ही प्रीमियम फैक्टर पर सेल होते हैं और ये दूर से ही प्रीमियम लुक लगता है और ये एक महंगा फ़ोन है जिसको उठाने से आपको फ़ील होता है कि वाकई यार कोई महंगा फ़ोन है ठीक है जी इसके पिक्सल्स में और इसके जो फोटो आ, सेटिंग्स में और पुराने फोटो सेटिंग्स में क्या फ़र्क है मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस होता है जो कि दूर की पिक्चर लेने के लिए हम यूज़ करते हैं वो इसमें जो है ऑप्टिकल जूम 2.5x यूज़ होता है जबकि जो दूसरे पुराने मोबाइल थे जैसे एक आईफोन ट्वेल्व प्रो कर दें उसमें ऑप्टिकल जूम 2x यूज़ होता है तो ये देखा जाए तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन जब कोई वीडियो बनाते हो जब कोई फोटो बनाते हो तो ये बहुत ह्यूज डिफ़रेंट लगता है यहाँ पे जी मैं पिक्चर ले रही हूँ आप यकीन करें कि इतनी भी कोई क्लासिक इतनी भी कोई नीट और इतनी भी शार्प पिक्चर थी कि मेरे ख्याल में रियलिटी में इतनी वो जो प्लांट है मेरे सामने वो रियलिटी में इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना कि आई फोन ट्वेल्व प्रो मैक्स के कैमरेस ने जो उसको कैप्चर किया ना कि बस वाह वाह कमाल है यार मज़ा आ गया इसके अलावा जी आई फ़ोन ट्वेल्व प्रो मैक्स में आप फाइव जी भी यूज़ कर सकते हैं फाइव जी भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है लेकिन जब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में लॉन्च होगा पाकिस्तान में आएगा फ़ाइव जी तो ये इसकी सर्विस ज़रूर प्रोवाइड करेगा इसके जो ट्रिपल कैमरा है इसके साथ हमें मिलता है जी एक्स्ट्रा लाइट स्कैनर ये भी एक नई एडिशन है और इसके अलावा जी हमारे इस मोबाइल में फ़ेस आईडी है आप अपने फेस आईडी को फिक्स कर सकते हैं एज अ पासवर्ड और आपका कोई भी फ्रेंड कोई भी फैमिली मेम्बर इसको आपके फ़ेस आई के बग़ैर ओपन नहीं कर सकता कोई भी यूज़ नहीं कर सकता बज़ाहिर छोटी छोटी सी सेटिंग्स से हैं लेकिन आपके मोबाइल में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपके मोबाइल यूजेज पे आपके मोबाइल रिजल्ट पे बहुत बड़ा असर डालती है आईफोन 12 प्रो मैक्स एक प्लस पॉइंट ये भी कि आपका मोबाइल स्टैंड हो सकता है स्टैंड बाय पे रह सकता है किस वजह से क्योंकि इसके जो नीचे वाली सरफेस है वो फ्लैट है और आप किसी फ्लैट सरफेस पर इसको खड़ा कर सकते हैं ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्लस पॉइंट है आई फोन ट्वेल्व प्रो मैक्स के लिए जी गाय ये थी मेरी आज की वीडियो आज का रिव्यू और आज की अनबॉक्सिंग अबाउट आई फ़ोन ट्वेल्व प्रो मैक्स उम्मीद करती हूँ को मेरे आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप और न्यू सब्सक्राइबर सब्सक्राइब माय चैनल इनशाला दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी वीडियो में किसी ब्लॉग में किसी रेसिपी में अपना बहुत ख्याल रखेगा ओके जी टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़ सटा बाय